हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित घरचा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये कहने को करंट अफेयर्स का है लेकिन ये करंट इंड्यूस्ड स्टैटिक टॉपिक है एक अभी रिसेंटली यूएस और यूरोपियन यूनियन इन्होंने इंडिया के ऊपर सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी को लेवी किया है राइट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है दैट इज कि क्यों लेवी किया है एक स्कीम है विच इज कॉल्ड आरओ डीटीईपी रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम जो कि 2021 में Uh, जो है इंट्रोड्यूस की गई थी और ये कोरोना uh, वायरस के बाद में जो रिकवरी फेज था ना उसके अराउंड ये जो है स्कीम लेके आए थे अब इसकी रिसेंटली जो है वो एक्सटेंशन आई थी कि ये 2024 तक ये जो है स्कीम चलती रहेगी राइट रहे तो रहे? इसकी एक्सटेंशन भी आई है इस स्कीम के कारण से फोर इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उसको एज ए रिटेलिएशन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर स्कीम जो है आपको सीवीडी जो है वो लेवी की गई है हमारे में हमारे पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर सबसे पहले तो कि हमने सी को पूरी तरह समझ लेना है वो नहीं जो आपने अभी तक स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ा होगा है ना वहाँ पे हम बहुत ऊपर ऊपर से टच करते हैं इस चीज़ को सारे एस्पेक्ट्स आज हम कोशिश करेंगे कि इन सात मिनट में आज टच कर दें राइट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये स्कीम इंपॉर्टेंट है और थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ट्रिविया है वो मैं आपको साथ साथ में देता रहूंगा ठीक है जी तो कॉन्टेक्स्ट इसका यही है और किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये मोस्ट uh, इफेक्ट आया इस पर्टिकुलर चीज का दिस इज uh, जो यूएस के मेजर्स हैं उनका जो इफेक्ट आया दैट इज पेपर फाइल फोल्डर कॉमन अलॉय अल्यूमिनियम शीट एंड फोर्स स्टील फ्लूड एंड ब्लॉक्स ठीक है folder, बच्चे यूरोपियन यूनियन के मेजर की वजह से जो आपके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सिस्टम है उनके ऊपर इफेक्ट आया है है ना और सीबीडी जो है इंपोज किया है किसके अगेंस्ट या किसके रिटेलिएशन में इज दिस पर्टिकुलर स्कीम ये सारी इंफॉर्मेशन मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ सवाल बन सकता है कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके जो है पूछा जा सकता है कि इस पिछले साल यूएस और यू, ने पर्टिकुलर उसके के टाइम अंदर <coughs> इंडिया के ऊपर थोपी थी राइट ये किसके रिटेलिएशन के अंदर थोपी थी ये कौन सी पर्टिकुलर स्कीम के रिटेलिएशन के अंदर थोपी थी इस टाइप का सवाल यहां पे बनने के चांसेस हैं आइए बच्चे सीवीडी को समझते हैं काउंटर ड्यूटी ये टैरिफ्स होते हैं बच्चे इंपोज द कंट्री किसके ऊपर ऑन इंपोर्टेड गुड्स टू ऑफसेट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द होम कंट्री टू द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज गुड्स फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोर्टर कंट्री हूं मैं इंडिया हूं राइट और मैं अपनी जो स्कीम के थ्रू मैंने उनको कुछ सब्सिडी दे दी कि यार आप ना ये चीज बनाओ लेकिन आपको बिजली का बिल नहीं देना मैंने सब्सिडी दे दी मैंने लोन के ऊपर इंटरेस्ट फ्री कर दिया थ्रू एन नंबर ऑफ थिंग्स मैंने वो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको नीचे कर दिया तो दैट मींस कि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी नीचे जाएगी तो वो फॉरन मार्केट को डिसरप्ट करने के चांसेज उसमें रहते हैं राइट right? अब कोई जो इंपोर्ट इंपोर्टर नेशन है वो क्या करेगा कि किस इंपोर्टर नेशन है इंपोर्ट हुए प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर होम कंट्री के ऊपर प्रोडक्शन कंट्री के ऊपर सब्सिडी मिली होगी उसके ऊपर उतनी ही मात्रा में या फिर कैलकुलेट करके कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर देगा जिसको हम सीवीडी बोलते हैं काउंटर ड्यूटी बोलते हैं जस्ट टू ऑफसेट है ना कि यार व वहां पर अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ता हो गया जो हम बना रहे हैं वो ऑब्वियसली जो जो होम कंट्री है जहां पे ये इंपोर्ट हो रहा है राइट right? वहां पे ये प्रोडक्ट उतने इतने सस्ते में नहीं बनेगा क्योंकि उधर तो सरकार ने पैसा दिया हुआ है तो उसको लेवल करने के लिए हम सी वी इंपोज करते हैं इंडिया इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करता है एंड सो डज यूएस सो डज यूके सो ड यूरोपियन यूनियन ये सारी कंट्रीज इसको एक्सटेंसिवली यूज करती हैं और ये परमिटेड है डब्ल्यू के नॉर्म्स के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अंदर पर्पस क्या करते हैं बच्चे ज लेव बाई दी कौन लेवी करता है इंपोर्टिंग नेशन लेवी करता है कुछ कुछ चीजें यहां पे ध्यान में रखनी है इंपोर्टिंग नेशन लेवी करता है टू लेवल द प्लेइंग फील्ड बिटवीन द प्रोड्यूसर्स इन द दॉरन कंट्री एंड द डोमेस्टिक कंट्री ठीक है दोनों के प्रोड्यूसर्स को लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाने के लिए ये चीज होती है डब्ल्यू डी रेगुलशन क्या बोलते हैं इट ओनली परमिट्स काउंटरविलिंग ड्यूटीज टू बी चार्ज आफ्टर द इंपोर्टिंग नेशन हैज कंडक्टेड एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन इन टू दब्सिडाइज एक्सपोर्ट्स ठीक है in जी तो आप ऐसी क्लेम्स नहीं कर सकते हो आपको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है म, इंडिया में क्या में हैं? मगर इंडिया किसी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है जी तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप समझ रहे होंगे कि दूसरे कंट्रीज के साथ में हम कुछ डील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हम जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जो फॉरेन Foreign ministry हमारी है, external affairs की ministry है, है, है. की वो नहीं इसमें deal करती है, इसमें करती करती ये 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 वाली ministry deal करती है. In imposition, ये आपका अब ये छोड़ दीजिए. डिस्काउंट ठीक है जी ये मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी तरीके का, का फंड जो होगा वो आपके इस सब्सिडी के अंदर गिना जाएगा इसके ऊपर सीवीडी लगाई जा सकती है फ्रीक्वेंटली यूज बाई यूएस यूरोपिन कनेडा इन इंडिया ठीक है जी कॉन्ट्रोवर्सी क्या है प्राइसिसम्पैक्ट मैंने उसके हिसाब से ही पर्टिकुलर इकॉनमी भी चलती है इसकी भी राइट right? डिस्क्रप्शन uh, है एक तरह से और ये वाली क्या स्कीम है आर आर ओ डी इट इज ए ड्यूटी इंड टैक्स रिमिशन स्कीम बाई दर्स्ट जैन को आया था जो कि एम ई आई एस स्कीम की

if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.